सर, राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन होनी है, कितने मामले आएंगे और क्या है? राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 जुलाई को हो रहा है, आगामी 14 जुलाई को। उसकी तैयारियां चल रही हैं, बड़े पैमाने पर पक्षकारों को नोटिस निर्गत किए गए हैं और अभी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने करीब 28 बेंच बनाई हैं जो विभिन्न न्यायालयों में मामले लंबित हैं, जिनमें सुलहनी प्रकृति के फौजदारी के मामले हैं, 128 एक्ट के मामले हैं, दीवानी प्रकृति के मामले हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मामले हैं, परिवार न्यायालय में जो मामले लंबित हैं उनकी भी एक बेंच बनाई गई है। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन के मामलों के लिए 3 बेंच गठित की गई हैं, जिनमें लोगों के मामले, बैंक लोन से संबंधित जो मामले हैं, होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, BSNL, इन सब मामलों के लिए 3 बेंच गठित की गई है। इसके अतिरिक्त 10 बेंच हम लोगों ने बनाई हैं जो इधर कार्यपालक जो है क्षेत्र में, जो विभिन्न न्यायालयों में राजस्व मामले हमारे लंबित हैं, कंज्यूमर फोरम में मामले लंबित हैं, भूमि अधिग्रहण के मामले लंबित हैं, सर्टिफिकेट केसेस के मामले लंबित हैं, उनके लिए भी 10 बेंच बनाए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत से पक्षकारों को क्या फायदा, सर किस तरह से फायदा होगा? देखिए, पक्षकारों का तो हर तरह से इसमें फायदा है, चूँकि हम लोग जो है कानूनी अड़चन वाले जो मामले हैं कोर्ट में, उनसे इसमें सस्ता और सुलभ न्याय उन लोगों को मिलता है, मामले जल्दी निस्तारित हो जाते हैं, इसमें किसी पक्ष की कोई हार और जीत नहीं है, दोनों ही पक्षों की जीत है, और सस्ता और सुलभ न्याय लोगों को प्राप्त होता है।